हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर, जिसका लास्ट ईयर यानी 2023 में 32 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया था और उसका एग्जाम ऑलमोस्ट टेंटिवली दिसंबर में होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो चुका था। अभी उसकी अपडेटेड डेट शीट भी आ चुकी है और वो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ द जुलाई। तो चलिए उसी वैकेंसी के बारे में, साथ ही साथ जो फ्यूचर में गुजरात डीआई के बारे में जानकारी चाह रहे थे, उन सभी के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। दैट इज द गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, मार्किंग स्कीम क्या है, इंटरव्यू मेंस कैसे कंडक्ट किया जाता है, उन सारी चीजों को इस वीडियो में समराइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, 2023 में 32 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया था, जो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरी वाइज उसका डिवीजन किया गया था। अब अगर बात किया जाए, ये जो 32 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था इन द ईयर ऑफ 2023 और ऑलमोस्ट इसका एग्जाम दिसंबर मंथ में करवाने वाले थे, बट वो पोस्टपोन्ड हो चुका था। अगर बात किया जाए, जो इसके फॉर्म फिलअप की डेट ऑनलाइन सबमिशन थी 15 सितंबर टू 30 सितंबर, यानी अगर हम बात किया जाए 15 से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म फिलिंग की डेट थी 2023। और इसमें क्या क्या है, इसमें प्रिलिमिनरी यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और साथ ही साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात किया जाए, सो मिनिमम एज लिमिट यहां पे 21 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट है 36 ईयर। हाँ, कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी है। अगर बात किया जाए इन द डिफरेंट कैटेगरी वाइज, लाइक अगर कोई स्टूडेंट अनरिजर्व है, देन फीमेल के लिए 5 ईयर्स का, मेल में कोई छूट नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। एक्स सर्विसमैन की बात किया जाएगा, 5 ईयर मेल और फीमेल दोनों के लिए यहां पे किया गया है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में बात किया जाए, तो अप टू द 10 ईयर्स के लिए यहां पे दिया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एनी स्टूडेंट्स who have possesses a bachelor degree in pharmacy or pharmaceutical science or medicine with the specification in clinical pharmacology and microbiology or degree in form D obtained from any of the universities, yani iske liye hamare form D students bhi eligible hone wale hain, they can also apply for this, as well as they possess the basic knowledge of the computer application prescribed in the Gujarati civil services classification, wo aap wahan pe dekh lijiyega, aur sath hi sath aapko hindi aur gujarati dono ka, ये दो में से एक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया अंडर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब अगर डिटेल नोटिफिकेशन की बात किया जाए, मैंने आपसे क्या बात किया, एक्सपीरियंस जो 18 मंथ एक्सपीरियंस की बात होती है वो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं था। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, जरा ये बात समझिएगा। मैं पूरे सिलेबस के साथ भी बात करूंगा और सिलेबस कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दूंगा। पहले बात किया जाए, यहां पे 300 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजों से। और जो 200 मार्क्स के होंगे वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी फार्मा सब्जेक्ट्स के होंगे, उसका सिलेबस भी देखेंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम हमारा 300 मार्क्स, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और पार्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। टोटल जो पेपर का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में आपको टोटल 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी टाइम का थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। मार्क्स फॉर इंटरव्यू, अब ये तो यहां से हो गए कितने 300 मार्क्स के, प्लस 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में कितने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, किस रेशियो पे होगा, वो भी इन्होंने पहले सब कुछ क्लियर कर दिया है, जरा उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले सिस्टम ऑफ मेरिट क्या है, 50% वेटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंड 50% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरव्यू। तो 50% इंटरव्यू से लिया जाएगा, 50% आपका आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट से लिया जाएगा, और दोनों में जो एड करके फिर मेरिट बनाई जाएगी। जो इसकी एग्जाम डेट आई है वो 21 जुलाई 2024 को फिक्स कर दिया गया है, यानी अब ये टेंटेटिव नहीं है, इस डेट पे एग्जाम होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है,
लास्ट ईयर वो अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर दें, इनहांस कर दें, क्योंकि ये मौका बहुत दिनों के बाद आया है, तो ये मौका छूटना नहीं चाहिए। इस 32 पोस्ट में एक पोस्ट मैं लेके रहूंगा, बस ये सोच के चलना है। अगर टेंटेटिव मंथ ऑफ द रिजल्ट की बात किया जाएगा, अभी देखो प्रिलिमिनरी होगा 21 जुलाई को, उसके बाद आपके इंटरव्यू की डेट आएगी। इंटरव्यू के 10 दिन के अंदर, आफ्टर 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, इसका मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। जीडीसी आपको बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जीडीसी क्लासेस ऐप पे कंडक्ट करा रहा है, सो इंस्टॉल द जीडीसी क्लासेस ऐप और वहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। अच्छा, इंटरव्यू में कितने बच्चे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा? एज पर द इंस्ट्रक्शन और प्रोविजन ऑफ द कमीशन, नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ ईच कैटेगरी इज बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एज पर फॉलोइंग। जितनी पोस्ट होंगी, अगर सपोज एक पोस्ट के लिए 6 स्टूडेंट्स, अगर हमने बोला 2 पोस्ट के लिए 8 और 3 पोस्ट के लिए 10, बट अगर 4 या 4 से ज्यादा, सिंस यहां पे तो 32 पोस्ट है, तो 32 पोस्ट इंटू 3, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूंगा तो टोटल हमारे 32 पोस्ट है, तो इंटू 3 कर दीजिए, उतने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उतने स्टूडेंट्स को यहां पे बुलाया जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए एट द आयोग भवन पे, यहां पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो मींस ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, लगभग 100 स्टूडेंट्स को मेरिट मनाई जाएगी फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो अब वहां से फिर इंटरव्यू में आपको फर्दर जाना है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात किया जाए। इसका जो सिलेबस है, पहले बात करते हैं नॉन फार्मा, यानी हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में क्या क्या है, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच करा रहा हूं, लेकिन देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले जियोग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, डेली इवेंट ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहां पे मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, देन गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कंफर्म कर दिया है, ये जो गुजराती ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ और रीजनिंग है, इसका जो सिलेबस होगा 8 to 10 पार्ट्स का, वो अकॉर्डिंग टू द 12th स्टैंडर्ड होगा। तो इसलिए 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो ये सारी चीजें हैं उनको एक बार देखा जा सकता है। अब अगर कंसर्न सब्जेक्ट की बात किया जाए, यानी फार्मा सब्जेक्ट्स की बात किया जाए, कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स है। और इसका जो पैटर्न रहेगा, जो मीडियम रहेगा, वो इंग्लिश होने वाला है, तो इसलिए आप उसके हिसाब से कंफर्टेबल हो जाइएगा, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, मींस कंप्लीट सिलेबस ऑफ द बैचलर इन फार्मेसी। जितना भी आपने बी फॉर्म में पढ़ा है वो सारा सब्जेक्ट यहां पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आपने सीरियसली इन चीजों की तैयारी किया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको डरने की जरूरत है। ये वो मौका है जहां पे अपने प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट पे इनहांस करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। सो अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड फर्दर क्वेरी होता है, सो फील फ्री टू कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू हैंडल ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।